गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेट्स को। सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम समझेंगे कि वो कितने होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, यही हमारा टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम देखें तो वो कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हमने उनको पकड़ा, सेट बी में जितने एलिमेंट्स हमने उनको ऐड किया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी जो दोनों में कॉमन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। हमने कहा एन ए, हमने एन ए को ऐड किया प्लस एन बी को ऐड किया। इसमें हमने देखा कि जब हमने एन ए लिया तो हमने ये वाला पोर्शन, एन बी लिया तो भी हमने ये वाला पोर्शन दो बार ऐड कर दिया। कितनी बार ऐड कर दिया, दो बार ऐड कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे एक बार सबट्रैक्ट करना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आइए समझ में फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी। क्या है, एन ए यूनियन बी, ये किसके बराबर है, एन ए प्लस एन बी। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब सेट्स आपके क्या हो, डिसजॉइंट हो, जब सेट्स आपके क्या हो, डिसजॉइंट हो, ठीक है, जिसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा, तो वो आपको सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है थर्ड पार्ट, देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि एलिमेंट ए में तो हो लेकिन बी में प्रेजेंट ना हो, एलिमेंट ए में तो हो लेकिन बी में प्रेजेंट ना हो। इसका फॉर्मूला क्या है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कहां से आया, यहां से, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें सिर्फ शेडेड वाला एरिया मिल जाएगा, हमें सिर्फ शेडेड वाला एरिया मिल जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो वहां से ये फॉर्मूला आया, आगे चलते हैं। क्या है अगला, अगला क्या है आपके पास, एन ए डेल्टा बी है। इस बार क्या है, ए डेल्टा बी, डेल्टा बी का मतलब क्या है, ए डेल्टा बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, यानी कि एक टाइम पे बी में होगा, ए में नहीं होगा एलिमेंट, और दूसरे टाइम पे ए में एलिमेंट होगा, बी में प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कहना क्या चाहते हैं हम, उसको देखते हैं। हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हमने इसको लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हमने लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसको लिया, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ए ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, टू टाइम्स, हमने क्या किया, टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वाले को हटा डाला, यानी कि हटा दिया, ठीक। क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस टू टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हमारे पास, ठीक है, कुछ बढ़िया है ये। इसमें इसमें कितने सेट्स हैं, इसमें तीन सेट्स हैं आपके पास, ए बी और सी, तीनों के अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों का मिला के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको आपको मिलेंगे, वो हमें कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, और सबट्रैक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस ऐड क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा क्यों करेंगे, आइए देखते हैं, ऐसा क्यों करेंगे, आइए देखते हैं। तो समझते हैं हम, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है, सभी पता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने एन ए लिया, हमने क्या किया, एन ए लिया, फिर हमने एन बी लिया, तो और हमने फिर एन सी लिया। तो जब हमने ये तीनों सेट्स लिए तो हमने क्या देखा, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया पूरा क्या हुआ, हमने दो बार ऐड कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी में हमने ये वाला एरिया दो बार ऐड कर दिया, सी इंटरसेक्शन ए में हमने ये वाला एरिया दो बार ऐड कर दिया, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया इसको हमने कितनी बार ऐड कर दिया, तीन बार ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें डबल एरिया तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ सिंगल एरिया चाहिए बस इस पूरे का। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक बार हम सबट्रैक्ट कर देंगे, उसको क्या करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दो बार है। तो यहां से हमें क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन बार कॉमन मिला था, तो हमने क्या किया, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, और ए इंटरसेक्शन बी यहां से सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए फिर बी इंटरसेक्शन सी को देखें, बी इंटरसेक्शन सी वाले में हमने इस एरिया को एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी वाले में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाला सी वाला एरिया भी एक बार हट गया। सेम इसी तरीके से ये भी हमने किया, सी इंटरसेक्शन ए को किया, तो ए इंटरसेक्शन सी एक बार हमने सबट्रैक्ट किया, है ना, और एक बार ये वाला एरिया सबट्रैक्ट हो गया, उसमें हमने किया ना, ये एरिया सबट्रैक्ट हो गया। तो अगर हम देखें, तीन बार ये एरिया हमने ऐड किया था, तीन बार ये एरिया हमने सबट्रैक्ट कर दिया, ऐड किया सबट्रैक्ट किया, तो यहाँ क्या बच गया, अभी यहाँ क्या बच गया, एज अ होल कोई यहाँ पे चीज, कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला एलिमेंट अलग से यहाँ पे ऐड कर देंगे, तब जाके ये पूरा एरिया बराबर हो जाएगा। तो हमें ये एरिया मिल गया, ये एरिया मिल गया, और ये एरिया मिल गया, प्लस ये वाला एरिया पूरा मिल गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आगे चलते हैं,
अगला क्या है हमारे पास, अगला क्या है देखिए इसको ध्यान से, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी, एलिमेंट्स किसी भी दो सेट में हो, इन एलिमेंट्स किसी भी दो सेट में हो, हेलो यानी कि या तो ये वाले पार्ट में हो, या तो ये वाले पार्ट में हो, या तो ये वाले पार्ट में हो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन जब हमने तीनों को ऐड किया तो ये एरिया भी हमने कितनी बार ऐड कर दिया, तीन बार ऐड कर दिया, और ये एरिया की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थ्री टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे आया ये फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पे चलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द ए बी सी, एलिमेंट्स किसी भी एक सेट में हो, यानी कि ए बी सी किसी में कॉमन ना हो, ना तो दोनों में कॉमन हो, ना तो तीनों में कॉमन हो, तो कौन सा पार्ट बचेगा, ये जो हमने सेलेक्ट किया ये पार्ट बचेगा। इसको हम निकालेंगे कैसे, ये कहा एन ए हमने ऐड किया, हमने एन बी ऐड किया, हमने एन सी ऐड किया, ठीक। तो ये वाला पार्ट हमने क्या किया, टू टाइम्स ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे हम, टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू टाइम्स हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का निशान यहाँ लगाया, ध्यान दीजिएगा, टू टाइम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और टू टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, टू टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और टू टाइम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने लेकिन देखा क्या, ये जो एरिया है, ये एरिया हमने कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एरिया हमने बाय मिस्टेक सिक्स टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमने सिक्स टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। यानी कि करना कितनी बार था हमें, सिर्फ तीन बार, कर कितने बार दिया हमने, छः बार। तो क्या करें हम, प्लस तीन बार और ऐड कर देते हैं, प्लस तीन बार और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने हद से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो अब क्या हो गया, ये एरिया पूरा पूरे तरीके से ब्लैंक हो गया, अब हमें सिर्फ कौन सा एरिया मिलेगा जो हमने सेडेड कर रखा है। तो इस तरीके से आपका एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द ए बी सी होगा, तो आप ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आप सभी लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, पर अब एरिया की मदद से आपने इसको समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।